हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तौसीफ और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉक एस टेक्निकल में। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए 5 फन फैक्ट्स टेक्नोलॉजी रिलेटेड, तो जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिए। तो पहला फन फैक्ट है कंप्यूटर माउस के बारे में। कंप्यूटर माउस इन्वेंट हुआ था 1968 में और इसे इन्वेंट करने वाले का नाम है डॉगस ईगलबार्ट। इन्होंने जो पहला माउस बनाया था वो कुछ इस तरह से दिखाई देता था। जब भी इस माउस को वो देखते थे तो उन्हें ख्याल आता था एक चूहे का, इसलिए उन्होंने इस डिवाइस को नाम दे दिया माउस। आज का हमारा दूसरा फन फैक्ट है अलार्म क्लॉक के बारे में। आजकल तो अलार्म हर कोई यूज़ करता है और अब तो अभी ये हमारे मोबाइल में आ चुका है, पर 1787 में इसे लेवी हिचिन्स इन्होंने पहली बार इन्वेंट किया। इन्हें सुबह में 4 बजे उठना पड़ता था, तो इन्होंने एक अलार्म क्लॉक बनाई जो सिर्फ 4 बजे सुबह में बजती थी। तो जो पहला अलार्म क्लॉक था वो सिर्फ एक दिन में एक बार बजता था, वो भी सुबह में 4 बजे। हमारा आज का तीसरा फन फैक्ट है बारकोड के बारे में। बारकोड तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल हो चुके हैं। हमारे पेमेंट से लेके बहुत सी चीज़ों में बारकोड का शामिल होना ज़रूरी है या फिर हो चुके हैं हमारे साथ। तो आपको पता है कि दुनिया में कौन सा पहला प्रोडक्ट है जो स्कैन किया था बारकोड से? और वो था एक च्युइंगम। हाँ, दुनिया का पहला प्रोडक्ट था च्युइंगम जिसे बारकोड से स्कैन किया गया था एक मार्केट में बेचते वक्त। हमारा चौथा फन फैक्ट है गूगल के बारे में। गूगल तो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है, पर आपको पता है 97% लोग जब भी कुछ लिखते हैं तो स्पेलिंग चेक करने के लिए एक बार गूगल ज़रूर कर लेते हैं, और शायद हम भी उसमें शामिल है। मैं तो शामिल हूँ उस 97% लोग में, क्या आप शामिल हो? आज का पाँचवा और आखिरी फन फैक्ट है एक सिंड्रोम के बारे में जिसे कहते हैं फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम। ये कॉमन सिंड्रोम है जो भी आजकल मोबाइल इस्तेमाल करते हैं उन्हें हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पॉकेट में मोबाइल रहे और हमें लगता है कि वो वाइब्रेट हो रहा है, और हम जब उसे चेक करते हैं तो कोई मिस कॉल या कोई कॉल या कोई मैसेज कुछ नहीं होता है, और ना ही मोबाइल की कोई वजह होती है वाइब्रेट होने की। पर ये मोबाइल वाइब्रेट नहीं होता है, तो ये बस हमें महसूस होता है कि मोबाइल वाइब्रेट हुआ है, और इस सिंड्रोम को कहते हैं फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम। तो दोस्तों, ये थे कुछ टेक्नोलॉजी रिलेटेड फन फैक्ट्स, और ऐसी फैक्ट्स को जानने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।